हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU के BEd के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये BEd का क्वेश्चन पेपर है और कोर्स का टाइटल अगर आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या फिर पाठ्यचर्चा में भाषा, तो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस क्वेश्चन पेपर से आपको क्लियर होगा आपके एग्जाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPRT से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और जो आपको टाइम मिलता है इसे करने के लिए वो 3 आवर्स का मिलता है। तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, 3 आपको सेक्शन ए में से और 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के मार्क्स आपके क्वेश्चन के सामने लिखे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड लिमिट रहेगी आपके क्वेश्चन के लिए 500 to 800 वर्ड्स रहने वाली है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 500 लिमिट के लिए आपको जो आंसर लिखना चाहिए वो अपना 4 to 5 पेजेस में फ्रंट और बैक साइड मिला करके लिख देना चाहिए। आपको आंसर्स कैसे लिखना है, किन चीज़ों का एग्जाम में ध्यान रखना है, कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है UPRTOU एग्जाम टिप्स करके। आप एग्जाम देने से पहले उसे जरूर चेक करके जाइएगा, आपके लिए हेल्प रहेगी। तो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। आप इसे हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी इसको बायलिंगुअली इंक्लूड करा गया है। सेकंड क्वेश्चन था, राइट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशंस ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द सेंटेंस। अब लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था वो था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। टोटल 25 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहता है। वर्ड लिमिट जो रहेगी आपको 50 to 100 वर्ड्स रहेगी। आपको 5 क्वेश्चंस में से करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस जो करने हैं आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से, 100 वर्ड्स के लिमिट के हिसाब से, तो आपको 1 to 1.5 पेज में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, राइट द यूज़ ऑफ ICT इन लैंग्वेज क्लासरूम। ICT मीन्स इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेज इश्यूज इन स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिस्ट स्किल्स। लास्ट क्वेश्चन जो था आपके लिए वो डिस्क्राइब द ऑरिजिन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन डिटेल। तो यहां तक आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद रखती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।